सो हेलो गाइस, कैसे हो? जीबो टीम की एक और वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत। भाई लोग, बहुत बंदे का कमेंट आ रहा था कि भाई देखो लैग हो रहा है 2.3.0 में, ठीक है ना? तो हाँ भाई, लैग तो होगा, लो एंड पीसी में लैग होता है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका दिखाऊंगा गाइस, इस पे जो है गाइस, आपका जो लैग का प्रॉब्लम है गाइस, वो 99% में ख़त्म कर दूंगा। बाकी 1% जो है पीसी के ऊपर रहेगी। तो पीसी वाले ऑप्टिमाइज की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखे गाइस, उसको देख लेना, ठीक है? सबसे पहले गेम रूप को 32 बिट को डाउनलोड कर लेना है। उसको कैसे डाउनलोड करना है आपको अगर पता नहीं, तो आपको पता नहीं कि आपके पास कौन सा वर्जन है, तो सिंपली टास्क मैनेजर ऑन कर लेना है, ठीक है? तो आपको इधर भी दिखेगा गेम लूप 32 बिट, ठीक है? अगर आपके इधर सेव गेम लूप दिखा रहा है या फिर 64 बिट दिखा रहा है, तो उसको सिंपली अनइंस्टॉल कर दो गाइज। करने के बाद 32 बिट वाला वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, देख लो, डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत लैग कम होता है गाइज, ठीक है? उसका थ्री रैंड पिक्चर लेनी है, सेटिंग्स चेकिंग फॉर अपडेट, ठीक है? इसको ऐसा कर लेना है। उसके बाद सेटिंग्स चले जाते हैं सबसे लो एंड में, जो क्या है लो एंड, जिन भाइयों के पास लो एंड पीसी है, तो उनको मैं जैसे जैसे दिख रहा हूँ उनको सेम रखने का एक बार ट्राई करना है, ठीक है? बेसिक में दोस्तों सबको चेक रखना है। इंजिन दोस्तों सबके, जिनके पास एकदम लो एंड पीसी है, उनको डायरेक्टर्स रखना है, ठीक है? इनेबल रेंडरिंग कैश, फ्रोज ग्लोबल रेंडरिंग कैश है, इन दोनों को अनचेक रखना है, ताकि ठीक है। बाकी अगर जीपीयू है तो इस बॉक्स को चेक रख लो, बाकी जीपीयू नहीं है तो इस बॉक्स को चेक मत रखो, ठीक है? और इन दोनों को चेक रखने देना, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ आपके पास 1 GB 2 GB कोई भी जीपीयू हो, इसको चेक लगाना, ठीक है? सबसे लो एंड वालों के लिए मैं पहले दिखा देता हूँ। एंटीलिशिंग ऑफ रखना है, मेमोरी ऑटोमेटिक, प्रोसेसर भी ऑटोमेटिक। रेजोल्यूशन दोस्तों आप 1070p पे खेल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सबसे लो एंड वाला रिकमेंड करता हूँ। स्क्रीन DPI 240 से ऊपर मत जाना गाइस, ठीक है? मॉडल दोस्तों आसूस रॉक 2 एज यूजुअल, और आप इधर LG V30 को ट्राई करना, ठीक है? वरना आसूस रॉक 2 रख सकते हो। गेम दोस्तों 720 पे रखना है, ग्राफिक्स क्वालिटी स्मूथ पे रखना है, FPS दोस्तों 30 पे रखना है, ठीक है? यह हो गया लो एंड वालों के लिए। अभी दिखाता हूँ मीड एंड और हाई एंड का सेटिंग। तो बेसिक पे मीड एंड हाई एंड में सेम ही रहने वाला है। इंजन दोस्तों जिनके पास अगर हाई एंड पीसी है, उनको ओपन जेल रखना है, इधर पांचों बॉक्स को चेक रखना है गाइस, ठीक है? एंटीलिशिंग ऑफ रखनी है, मेमोरी ऑटोमेटिक रखनी है, रेजोल्यूशन इधर पे जो हाई एंड वाले हैं उनको 1080p कर देनी है, ठीक है? DPI दोस्तों आप इधर पे 400 तक जा सकते हो, कोई मसला नहीं, जिनके पास हाई एंड पीसी है। इसके बाद हम बात करेंगे मीडियम वालों के लिए, ठीक है? मॉडल दोस्तों रॉक 2 रखना है आपको, या फिर सैमसंग S23+ Ultra रख सकते हो। हाई एंड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं फिलहाल रॉक 2 रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और गेम पे दोस्तों अगर आपके पास हाई एंड पीसी है ना, तो दोस्तों आप 1080p 2K कुछ कर सकते हो, 2K भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ यार, अगर आपके पास एक्सट्रीम लेवल की पीसी है, 2K रख लो, इधर पे 80 रखना, इधर पे 90 रखना, ठीक है? और जिनके पास थोड़ा बहुत लोअर GPU है, यानी कि 2060, 2030, 3050, 3050 खेल तो रो एंड GPU लेगी, लेकिन गेम लूप पे सब कुछ लो एंड है, ठीक है? नए सारा सब कुछ चूज लेता है, तो सबसे आपको HD रखना है, तो इधर पे ग्राफिक्स HD रखना है। और डिस्प्ले देख लेनी है कितनी हर्ट्स की है, तो 60 रख दो, 60 हर्ट्स की है तो 90 है, तो 90 रखना, ठीक है? अगर आपको पता नहीं डिस्प्ले की हर्ट्स कैसे चेक करते, तो राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज पे इधर डिस्प्ले सेटिंग्स दिखेगा, जाने के बाद आपकी जो मेन डिस्प्ले, तो इधर पे एडवांस ग्राफिक्स सेटिंग्स पे जानी है, तो देखो मेरी 100 हर्ट्ज आ रही है, ठीक है? अगर आपके पास 100 या फिर 60 कुछ भी आए, तो उस हिसाब से रख देना, तो 100 है इसलिए मैंने 90 रख दी। अगर आपके पास 60 दिखा रहा है, तो आपको 60 रखना है, ठीक है? तो यह रहा मीड एंड वालों के सेटिंग्स। अभी गाइज हाई एंड वालों के सेटिंग्स, अभी बात करते हैं मीड एंड वालों के लिए। तो जनरल पे सबको अनचेक रखना है, मीडियम को, इंजन दोस्तों ऑटो रखनी है आपको, इधर पे पांचों चेक रखनी है, एंटीलिशिंग ऑफ रखनी है, मेमोरी भी ऑटोमेटिक रखनी है, प्रोसेसर भी ऑटोमेटिक, रेजोल्यूशन दोस्तों लो एंड मीडियम में सबसे जो लोएस्ट वाला रेजोल्यूशन है उसको रिकमेंड करता हूँ। स्क्रीन DPI मैं 240 खेलता हूँ, आप 240 से ऊपर मत जाना, मैं 120 पे खेलता हूँ, ठीक है? साउंड दोस्तों डायरेक्ट साउंड रखनी है, मॉडल दोस्तों आपको आसूस रॉक 2 रखनी है इधर पे मीडियम वालों के लिए। गेम दोस्तों आपको स्मूथ करने है, अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, यानी कि आपके पास 4 कोर का CPU हो, तो HD पे खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत लैग दिखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि एकदम भी लैग ना हो, तो HD 720 पे रखना, ग्राफिक्स क्वालिटी स्मूथ रखना, FPS दोस्तों 60 या फिर 30, मैं 30 रिकमेंड करूंगा गाइस, क्योंकि ये दोस्तों है गेम लूप के FPS, ठीक है? साथ सीधा सीधा बात है गाइस, इधर पे ग्राफिक्स पे जितना आप लोड डालोगे, उतना गेम में स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ग्राफिक्स पे अगर लोड डालोगे, तो CPU पे भी लोड आएगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें गाइस, ठीक है? ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता, इसको सो सेव करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है? तो मैं सेटिंग्स फिर से दिखा देता हूँ। मैंने क्या रखी है, ऑटो रखी है, मेरी जो मीडियम या फिर लो एंड कह सकते हो, इसकी सेटिंग्स इधर पे पाँचों को चेक रखी है, ऑफ ऑफ मेमोरी अटैचिंग, ऑफ ऑफ प्रोसेसर ऑटोमेटिक, रेजोल्यूशन सबसे लोएस्ट, DPI 120, मॉडल आसूस रॉक 2, ठीक है? गेम की इधर पे जो है इसको 60 करके 30 करके सेव करेंगे, ठीक है? आपको देख लेना है एक दो बार करके कि 30 पे सेव हो गया, इसको सेव कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे गाइस, ठीक है? और टास्क मैनेजर ऑन करेंगे, इधर से भी इसको क्विट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको इधर पे सर्च करना है दिस पीसी, ठीक है? दिस पीसी पे चले जाएंगे,
सॉरी, इधर पे दिस पीसी लिख के इधर पे राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ पे चले जानी है इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे दोस्तों आपको इधर पे जो है मेरे देख लो पीसी कॉन्फ़िग क्या है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। i5 है और 12 GB रैम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है माई कंप्यूटर की जो आइकन है आपके पास, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे चले जानी है, सॉरी प्रॉपर्टीज़ नहीं, मैनेज पे चले जानी है, सॉरी गाइस, मैनेज पे चले जानी है। उसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे दिखेगा सिस्टम डिवाइस, इसके ऊपर टैप करना है इधर पे। तो आपको इधर पे एक चीज़ ढूंढना है, हाई प्रोसेसिंग रेवरी टाइम, ठीक है। रहा आपको दोस्तों इनेबल दिखेगा, आपको राइट क्लिक करके इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डिसेबल कर दिया, इसलिए मेरे इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको आपको कॉल लेनी है। उसके बाद दोस्तों फिर से एक और सेटिंग्स है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। स्टार्ट पे सर्च करना है, इधर पे लिखना है MSCON, ठीक है। MS सिस्टम कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, ऑन कर लेना है। बूट पे चले जानी है, एडवांस ऑप्शन पे चले जानी है, नंबर ऑफ प्रोसेसर पे चेक करके जितने भी हाईस्ट नंबर आपको शो हो इसको चेक करके ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद सर्विस पे चले जानी है, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। इधर पे दोस्तों सिर्फ इनविडिया मतलब जो आपकी GPU है उसको ड्राइवर और माउस कीबोर्ड और हेडफोन की ड्राइवर को छोड़ के बाकी सबको अनचेक कर दो। जैसे मैंने क्रोम वगैरह सबको अनचेक कर दिया, आपको ऐसे ऐसे करके अप्लाई करके ओके करना है। तो आपको रीस्टार्ट के लिए पूछेगा, आप रीस्टार्ट कर लेना, मैं एग्जिट रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से स्टार्ट पर सर्च करना, इधर इस बार लिखना है आपको REG रजिस्ट्री एडिटर, ठीक है। बहुत खतरनाक चीज़ है गाइस, यस करके ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों ये जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। आपको जब आओगे रजिस्ट्री एडिटर के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे सिर्फ लिंक उठाना, इधर पे पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, तो सीधा सीधा आप जो है गेम वाले ऑप्शन के अंदर चले जाओगे गाइस, ठीक है। इधर पर दोस्तों GPU प्रायोरिटी दिखेगा, अगर आपके पास GPU है तो इसको 6 करना है, सॉरी 8 करना है। अगर GPU नहीं है तब भी इसको दोस्तों आपको 4 कर देना है, ठीक है। तो मेरा 8 है और वेज में हेक्सावेल होना चाहिए। और प्रायोरिटी दिखेगा इसके अंदर, इधर पे दोस्तों आपको 6 कर देना है, जिनके पास GPU नहीं है उनको 2 रखना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद हम गेम में जाके सीधा मिलते हैं आपसे। जब अपना ऐसे इंटरफेस आ जाएगा तो जब आप पबजी को ऑन करोगे इधर से, ठीक है, तो इस जो ऐप मार्केट है गाइस इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और बाकी एंटीवायरस को भी बंद कर लेना है, ठीक है, वरना बैकग्राउंड में गाइस बहुत CPU खा लेता है। तो मैं सबको बंद करके रखा, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी टास्क मैनेजर आपको ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको इधर पे दिखेगा, जब ऐसा काला स्क्रीन आ जाएगा तो आपको इधर पे नीचे दिखेगा 2 गेम लूप, इसको दोस्तों क्लोज कर देनी है, ठीक है। और मेक श्योर करना 32 बिट वाला डाउनलोड कर लिया आपने, ठीक है। 32 बिट पे गाइस बहुत कम लैग देखने को आपको मिलता है। और बाकी अगर आपका की मैपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए मैंने एकदम ऑफिशियल जेन्युइन तरीका बता दिया गाइस, जिसकी मदद से आप टैब वाले बटन, माउस से गन चेंज और आई वाला बटन सबको काम कर करेगा, ठीक है। तो जब ऐसी स्क्रीन आ जाएगा गाइस आपको इधर पर बैक आ जानी है, थोड़ा नीचे खींचना है इसको, सेटिंग्स पर जा जानी है, ठीक है, सॉरी। उसके बाद सबसे नीचे आपको अबाउट टैबलेट दिखेगा, इसके अंदर जाके, अरे भाई किधर जा रहा है, आपका अबाउट टैबलेट दिखेगा। सबसे नीचे आपको दिखेगा बिल्ड नंबर, इसके ऊपर 5-6 बार टैप करना है तो दिखेगा यू आर नाउ ए डेवलपर। मेरा ऑलरेडी डेवलपर दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा है। सेटिंग्स पे चलिए 3 लाइन पे, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इधर पे जाके दोस्तों आपको 2-3 चीज़ जो है बंद करनी पड़ेगी, तो मैं दिखा देता हूँ वो कौन सी चीज़ें गाइस, ठीक है। विंडोज एनिमेशन स्केल इसको ऑफ करनी है, टेनेशन एनिमेशन स्केल इसको भी ऑफ करनी है, टेंस एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल इसको भी ऑफ करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फोर्स GPU रेंडरिंग इसको ऑन कर देना है, और फोर्स 4XMS इसको ऑन कर लेना है, डिसेबल HWO बोल रहे जिसको भी ऑन कर लेना है। सीधा सीधा बैक आ जाना है गाइस, पबजी को ऑन कर लेना है, ठीक है। जब तक गाइस पबजी ऑन हो रहा है तब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर ऐसे गेम लूप से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर बात की जाती है गाइस। तो आप एक बार मेरा चैनल चेकआउट करो, देन मेरे चैनल को वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, देन आप मेरे को सब्सक्राइब करके मेरे को थोड़ा सपोर्ट दिखा देना गाइस। थैंक यू सो मच। गाइज हम आ चुके हैं इन गेम के अंदर। आपको दोस्तों इधर पे कुछ सेटिंग्स करने ली है, 3 लाइन पे चली जानी है, सेटिंग्स पे चली जानी है, ग्राफिक्स एंड ऑडियो पे चली जानी है। इधर पे लॉबी पे दोस्तों अगर 60Hz का डिस्प्ले तो एक्सट्रीम रखो, अगर 90 या फिर सुपर का डिस्प्ले तो 90 FPS कर सकते हो, ठीक है। लॉबी कॉम्बैक दोनों में मैंने सेम रखी, आप चाहो तो लॉबी पे HDR कर सकते हो, और जिनके पास हाई एंड PC है वो दोस्तों HDR HD पे खेले, कोई मसला नहीं आएगा उनको, ठीक है। क्योंकि जिनके पास लो एंड PC है उनको ये सेटिंग्स रखनी है, और जिनके पास हाई एंड PC है HDR या HDR कुछ खेल खेलो गाइस लैग नहीं होगा, मेरी गारंटी है। जो स्टाइल है कलरफुल रखना है, एंटीलिजन क्लोज रखनी है, ऑटो जीग्राफी डिसेबल रखनी है, ठीक है गाइस। बस इतना सा कुछ सेटिंग्स था, अभी देखो स्मूथनेस देखो गाइस, वो भी ऑन रिकॉर्डिंग। और आप लाइव तो यार देखते ही होगे, मैं इस PC के ऊपर लाइव करता हूँ और वो गेम यार बहुत ही अच्छा चलता है गाइस। सेटिंग्स मैंने दिखा दिया आपको कैसे क्या रखना है,
आई होप गाइस इस वीडियो से आपको हेल्प होगा। अगर हेल्प हो तो एक लाइक करना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी और दिन और वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाई।